मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। ऐसे समय में जब बाकी देश पैसों की किल्लत से जूझ रहा है, ये शादी सभी का ध्यान खींच रही है। जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी रेड्डी की इस शादी के लिए बैंगलोर पैलेस ग्राउंड में बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टरों की मदद से तैयार किए गए बड़े बड़े आकार के सेट लगाए गए हैं, जो दरअसल हम्पी के विट्ठल मंदिर से लेकर 14वीं सदी के विजयनगर राज्य की नकल है। जिस जगह खाने पीने का इंतजाम किया गया है, उस जगह को बेल्लारी के उस गांव का रूप दिया गया जो जनार्दन रेड्डी का गृह नगर है। इस शादी में 50,000 मेहमानों के आने का अनुमान है और सुरक्षा के लिए 3,000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। शादी में आने वाले मेहमानों को गेट से अंदर तक लग्जरी बैल गाड़ियों में बैठा कर ले जाया जाएगा और विवाह स्थल की सैर कराई जाएगी। साथ ही 5-स्टार होटल में मेहमानों के लिए 1500 कमरे बुक कराए गए हैं। ब्राह्मणी रेड्डी अपनी शादी में करीब 17 करोड़ की साड़ी पहनेंगी। इस शादी में जो साड़ी के साथ वो ज्वेलरी पहनेंगी, उसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए होगी। कुछ समय पहले इस शादी के लिए भेजा गया कार्ड भी अपने आप में चर्चा का विषय बना था। छोटे से बक्से में इस कार्ड में एक LCD थी, जिसमें एक वीडियो के माध्यम से लोगों को इस शादी के लिए आमंत्रित किया गया था। इस शादी की भव्यता का अंदाजा उस वीडियो से ही लग गया था। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। शादी में जिस तरह से खर्चा हुआ जा रहा है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जनार्दन रेड्डी के पास काफी काला धन है। लेकिन इस शादी के बाद रेड्डी ने सभी बिल दिखाने का वादा किया है। सूत्रों का कहना है कि सभी भुगतान इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को चेक के जरिए दिए गए हैं और हर खर्च का हिसाब रखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वन इंडिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल। और जी हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।